किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कॉर्न कबाब बनाने जा रही हूँ। वैलेंटाइन डे है तो स्पेशली मैंने ये डिश चूज की है। तो इसके लिए मैंने कॉर्न लिए हैं, फ्रोजन कॉर्न लिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश लेके बॉईल कर सकते हैं। एक कटोरी मैंने पूरी भर के ली है, एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक बारीक काट ली है, दो आलू ग्रेट कर लिए हैं और ये मैंने बेसन लिया है, दो चम्मच बेसन है, एक चम्मच कॉर्न स्टार्च है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ और ये ब्रेड क्रम है। आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड लेके उसे गीला करके उसे भी डाल सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम लिया है, एक नींबू का रस है, दो चम्मच चावल का आटा और इसके अंदर मैंने सूखे मसाले में लिया है नमक, हल्दी आधी से कम चम्मच हल्दी है, आधी से कम लाल मिर्च, एक बारीक हरी मिर्च, एक चम्मच एक पाउच है ये पूरा, एक पाउच मैगी मसाला फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 6 कलियां लहसुन की ली हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। तो सबसे पहले हम कॉर्न को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने कॉर्न को दरदरा पीस लिया है, बहुत ज्यादा मैंने पेस्ट नहीं बनाया, धो लिया है। आलू प्याज कटा हरा धनिया, ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, कॉर्न स्टार्च, बेसन, चावल का आटा, नींबू का रस, ये लहसुन को हमने इसके बीच में चॉप कर लिया है। चाहे तो आप कॉर्न के साथ ही ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मैगी मसाला। सारी चीज़ों को हमने इकट्ठे एक ही बाउल में डाल दिया है और इसे हम अपने हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बाइंडिंग देखनी है हमारी कैसी है, अगर हमें पतला लगे तो हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स या बेसन और डाल सकते हैं। ये हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार है, इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं सेट होने के लिए। आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि ये जो है मिक्सचर, ये हमारा सेट हो चुका है। इसको हम जैसी चाहें वैसी शेप दे सकते हैं। कबाब है तो हम इसे ये वाली शेप भी दे सकते हैं और हम इसे गोल शेप भी दे सकते हैं, बट आज वैलेंटाइन डे है तो मैं इसे हार्ट शेप दूंगी। अब इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। आप देख रहे हैं ये शेप है, वो हार्ट शेप बनी है। ये हमने कुकीज कटर के अंदर इसकी शेप बनाई है। ये हमारे कॉर्न कबाब फ्राई करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं हमने स्टार शेप भी दी है, गोल शेप भी दी है और लंबे में भी दी है, बाकी मैंने सारे हार्ट शेप बनाए हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप वो शेप बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम एक एक करके कबाब जो है डाल देंगे। मैंने इसके अंदर 4 कबाब डाल दिए हैं, जितने आ सकते हैं उतने बीच में आप डाल सकते हैं। हमने इसे एक बार पलट दिया है थोड़ा सा ब्राउन होने पे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि हाई फ्लेम पे ऊपर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो है कच्चापन रह जाएगा, इसलिए इसे हमने धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पकते रहने देना, मतलब कि गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाने देना लेकिन मीडियम फ्लेम पे। बीच में हम इसको पलट के देखेंगे, एक तरफ ब्राउन होने पर हमने पलट देना इस तरह से, इसे पलटते हुए दोनों तरफ से ब्राउन कर लें। आप देख रहे हैं कि जो कॉर्न कबाब हैं हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसे हम किचन टॉवल पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हमने फ्लेम को एक बार फिर हाई कर देना ताकि तेल जो है हमारा गर्म हो जाए। बाकी भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, ये हमने स्टार बनाया है, इनको भी दोनों तरफ से पलटते हुए ब्राउन कर लें। आप देख रहे हैं कि ये जो कबाब हैं अच्छे से बन गए हैं, इसे भी हम किचन टॉवल पेपर के ऊपर इसी तरह से निकाल लेंगे।
ये हमारे गर्मा गर्म कॉर्न कबाब बनकर तैयार है। इसे हम टी टाइम में सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।